मोहरा। दोस्तों अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, नसीरुद्दीन शाह, रवीना टंडन की ये बेहतरीन फिल्म जिसने 90s के दशक में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त में धमाल मचा के रख दिया था। टिप टिप बरसा पानी आज तक रिक्रिएट होता है दोस्तों। इनफैक्ट अक्षय कुमार की फिल्म में ये फिर से है, सूर्यवंशी में फिर से है, जिसमें कैटरीना कैफ टिप टिप बरसा पानी करते हुए नजर आएंगी। क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म की मेन लीड 5 दिन की शूटिंग करने के बाद जो है मर गई थी। जी हाँ, और उसके बाद जाके रवीना टंडन को मौका मिला। आइए आपको ये पूरी बात बताता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। मोहरा फिल्म सुपर डुपर हिट गई थी दोस्तों। इस फिल्म के राइटर को फिल्म की कहानी जब वो जिम कर रहे थे उस वक्त उन्हें सूझी थी और उसके बाद उन्होंने इस पे कदम उठाया। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म में मेकर्स जो हैं, डायरेक्टर और मेकर्स, पहले श्रीदेवी जी को लेना चाहते थे, लेकिन श्रीदेवी जी उस वक्त जो है चांदनी कर रही थी, जो कि वन ऑफ द हिट फिल्म में से एक है। चांदनी करते करते जो है वो दोस्तों इतनी बिजी थी कि उन्होंने इस फिल्म के लिए साफ मना कर दिया, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि श्रीदेवी जैसी ही किसी एक्ट्रेस को वो लेना चाह रहे थे तो ऐसे में सभी ने दिव्या भारती का नाम रिकमेंड किया। दिव्या भारती हम सबको पता है, शाहरुख खान के साथ दीवाना फिल्म में काम कर चुकी हैं वो, और तमाम फिल्मों में उन्होंने काम किया, अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। लेकिन 5 दिन की सिर्फ शूटिंग करी थी और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो मर गई हैं। जी हाँ दोस्तों, दिव्या भारती छत से कूदी गई थी, खुद कूदी थी या गिर गई थी या किसी ने धक्का दिया था, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। जी हाँ, साजिद नाडियाडवाला की पहली वाइफ दिव्या भारती। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि दिव्या भारती ने 5 दिन की शूटिंग कर ली थी मोहरा की, उसके बाद जाके उन्हें वो हम सबको छोड़ के चली गई, एंड उसके बाद मेकर्स ने तब जाके रवीना टंडन का नाम सामने आया और रवीना टंडन को साइन कर लिया। देखिए ना मोहरा में क्या जबरदस्त उन्होंने काम किया। दर्शकों आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। चलता हूं।